नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में शुरू हुआ बर्फ पर फिसलने का रोमांच, आइस हॉकी की एंट्री भी जल्द। शिमला में आइस स्केटिंग का पहला सीजन एक लंबे इंतजार के बाद बुधवार को शुरू हुआ। बच्चों और बड़ों ने स्केट्स से बर्फ पर फिसलने का रोमांच लिया। पहले दिन 16 लोग स्केटिंग करने पहुंचे। दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सर्वर पर चीन ने किया था साइबर अटैक। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, अस्पताल के 100 सर्वरों में 40 फिजिकल और 60 वर्चुअल रूप से हैक किए गए। इनमें से 5 सर्वरों का डेटा हैकर से सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है। दोस्त से झगड़े पर आया भारी गुस्सा, तीसरी मंजिल से कूदकर एमबीए छात्रा ने लगाया मौत को गले। छात्रा मेहरोली के फ्रीडम फाइटर सोसाइटी में अपनी 3 सहेली के साथ रहती थी। तीनों एक नामी इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे थे। स्कूल में खुले में टॉयलेट जाने को मजबूर, स्टूडेंट साड़ी की दीवार बनाकर चला रहे काम। गांव वालों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने खुद बच्चों को खुले में शौचालय इस्तेमाल करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि कई सालों पहले स्कूल में टॉयलेट की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी। छोटी बेटी ने बताया दीदी पर 2 लड़के एसिड डालकर चले गए। पिता बोले काफ़ी ख़राब है बेटी की हालत। 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा पर 2 लड़कों ने एसिड फेंक दिया और लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा पर एसिड अटैक को लेकर केजरीवाल बोले ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मालीवाल ने तेजाब की बिक्री पर उठाए सवाल। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि आज एसिड से देश में उतनी आसानी से बिक रहा है एसिड देश में जितनी आसानी से सब्जी बिकती है। दिल्ली में स्कूली छात्रा पर फेंका तेजाब, बोले सीएम केजरीवाल अपराधियों की कैसे हुई हिम्मत, हर बेटी की सुरक्षा महत्वपूर्ण। दिल्ली महिला आयोग ने मामले पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कब जागेगी सरकार। पीड़िता ने 2 लड़कों पर शक जाहिर किया है। बीएमसी आयुक्त के खिलाफ हुए पूर्व नगर सेवक सीएम एकनाथ शिंदे को भेजी शिकायत, ट्रांसफर नीतियों पर उठाए सवाल। बीएमसी के पूर्व नगर सेवकों ने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें ट्रांसफर मामले को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। तवांग झड़प को लेकर संसद में हंगामा, सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने किया वॉकआउट। कांग्रेस टीएमसी समेत कई दलों के सांसद लोकसभा में भारत चीन सीमा के मुद्दे को लेकर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। चीन ने भारत के अंदर एक गांव विकसित किया है। बीजेपी के पुराने ट्वीट को रीट्वीट कर बोले सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि साल 1962 में नेहरू को विनम्र तरीके से अपशब्द कहे गए थे, क्या मोदी को भी वैसे ही संबोधित किया जाना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ से मिले निजात, T3 पर यात्रियों के लिए आया बड़ा अपडेट। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट करके अब यात्रियों के सुचारू रूप से आवाजाही की जानकारी दी है। तवांग झड़प विवाद के बीच भारतीय वायुसेना करेगी युद्धाभ्यास, गुजरेंगे राफेल और दिखेगी सुखोई की ताकत। तवांग विवाद के बीच भारतीय वायुसेना की ओर से ये एक्सरसाइज असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार रखेगी इंटरफेथ इंटरकास्ट मैरिज पर निगरानी। शिंदे सरकार ने किया 12 सदस्यीय पैनल का गठन। इंटरफेथ इंटरकास्ट मैरिज पर निगरानी रखने के लिए समिति ने 12 अन्य सदस्य होंगे जो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों से लिए जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस सुलझाने वाले 12 अफसरों की धमकी के बाद बढ़ाई सुरक्षा, 3 को दी गई वाई कैटेगरी। स्पेशल सीपी और दोनों डीसीपी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जबकि अन्य अधिकारियों के साथ 24 घंटे एक PSO मौजूद रहेगा। खबर दिल्ली से, 37 लाख रुपए से भरा ATM उखाड़ ले गए थे बदमाश, पुलिस अब तक नहीं कर सकी गिरफ्तार। 10 दिसंबर को कोटला विहार इलाके से ATM उखाड़ कर ले जाने के मामले में पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि घटना के गेट गार्ड ड्यूटी पर था। दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी खबर, पुलिस का खुलासा, पीड़िता के घर के पास ही रहते हैं आरोपी। हमले से पहले रेकी की, पीड़िता 12वीं की छात्रा है। दोनों आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पीड़िता का चेहरा 7-8% झुलस गया है, आंखों पर असर हुआ है। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर MP के गृह मंत्री का बयान, नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी वाले शब्दों में कहा मैं निवेदन करूंगा कि दृश्य को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या ना दी जाए यह विचारणीय प्रश्न होगा।
अगली खबर दिल्ली से। 4 लाख कैश और गहना लूट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या, फिर बाहर से ताला बंद कर हुआ फरार। लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश ने विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। घटना के समय महिला घर पर अकेली थी। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल लेते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।